दोस्तों आकाबिशी, आकाबिशी वही कंपनी का एयर कंडीशन है जो कंपनी मिस्तिबुशी नाम से एसी बनाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस एयर कंडीशन के रिमोट कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ हमें कुछ इस टाइप का एयर कंडीशन का रिमोट मिला हुआ है, सामने आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बाकी सारे बटन कंट्रोल्स दे रखे हैं। तो सारे के सारे बटन्स के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, क्या फीचर्स है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, और किस तरह से आप अपने एसी को बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर सकते हो बिजली बचाते हुए। कहते हैं जो आकाबिशी नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए आकाबिशी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई एरू गेरू कंपनी का ये एयर कंडीशन है, ये मिस्तिबुशी एसी जो आता है सेम वही कंपनी अलग अलग ब्रांड के नाम से जैसे अलग अलग एयर कंडीशन निकालती रहती है, तो ये आकाबिशी भी उसी का एक सब्सिडरी मान सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे आपको इंडोर यूनिट देखने को मिलेगा, और ये हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बटन देखने को मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये जो येलो कलर का बटन है ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए है, जो कि आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम इसे दबाते हैं, तो ये देखिए हमारा एयर कंडीशन यहाँ से ऑन हो चुका है और फिलहाल ये चलना शुरू हो गया है। तो अभी आपको एयर कंडीशन से हवा आती हुई दिखाई देगी, तो मैं थोड़ा सा स्विंग ऊपर कर दूं ताकि जैसे होता क्या है ना, जब स्विंग चलता है तो डायरेक्ट माइक पे हवा आती है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसे, जस्ट अ मिनट। वन मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे अब ये इसका स्विंग ऊपर हो चुका है, तो डायरेक्ट माइक पे हवा नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको बटन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले आपको एक मोड का बटन देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये इस टाइप का को देखना मिलेगा, जस्ट मिनट, ये देखिए यहाँ पे कूल मोड देखने के लिए मिला, हाँ कूल देखने के लिए मिला। तो अभी फिलहाल आपका जो एयर कंडीशन है वो कूलिंग मोड पे चल रहा है, अभी मैं एक बार इस बटन को दबाऊंगा तो आप देखिए कि ये जो एसी आपका वो ड्राई मोड पे आ गया। अब कूल मोड का मतलब है कि आपको गर्मी में जनरली कूलिंग ही चाहिए, तो आप कूल मोड पे अपने एसी को रन करिएगा, और ड्राई मोड तब हम यूज करते हैं जब सीजनल होता है, जैसे कि मानसून का सीजन होता है जिसमें बारिश वगैरह आती है, उस समय हम ड्राई मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डीआर लिख के आ जाता है, और इसका एक खासियत भी है कि आप यहाँ पे ये टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए मैं कितना ही बटन दबाऊंगा तो टेम्परेचर होगा यहाँ से कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राई मोड में एक डिफॉल्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक बार और दबाओगे तो ये फैन मोड पे आ गया। फैन मोड पे क्या होगा फ्रेंड, इसका टेम्परेचर टोटली ऑफ हो जाएगा, ओनली इसका फैन रन करेगा, जिस तरह से आपके घर में नॉर्मल फैन रन करता है सेम उसी तरह से इसका भी फैन आपको रन करते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं अगला जो बटन है उस पर चलते हैं, और यहाँ पे देखिए अब और एक बार और जब आप मोड को दबाओगे तो ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। अब ऑटो मोड का मतलब है कि आपका जो रूम में इसमें सेंसर लगा होता है एक्चुअली, तो आपका जो रूम टेम्परेचर है या जो भी आपका मानसून जिस भी कंडीशन में आप रह रहे हो उस समय आपका एसी लगा हुआ है वो उसे सेंस करेगा और अपने हिसाब से अच्छे से आपको एक बहुत ही प्लेजेंट एनवायरमेंट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से ऑफ हो गया, तो अभी हम फिर से कूलिंग मोड पे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कूलिंग मोड पे लगा दिया, कूलिंग मोड पे हमने लगा दिया। चलिए अभी इसके बगल वाला ये मोड वाला बटन पूरा कंप्लीटली कवर हो गया। अभी हम ये फैन वाले बटन की बात करें, तो जब आप फैन वाले बटन को दबाते हो फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको ये देखिए इस साइड में आप दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए आपको फैन के डिफरेंट टाइप के, अभी इस समय ऑटो में फैन चल रहा है। एक बार और आप दबाओगे तो ये देखिए यहाँ पे लो पे आ गया, एक बार और दबाओगे तो ये मीडियम पे आ गया, और एक बार और दबाओगे तो ये हाई पे चला जाएगा। तो इसका मतलब आप इससे फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि जिस भी स्पीड पे आपका फैन चले उस स्पीड पे आप इसके ब्लोअर फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और अभी इसके नीचे आपको एक बटन देखने को मिलता है यहाँ पे, अब इसके जो नीचे वाला बटन है यहाँ भाई, ये देखिए यहाँ पे स्विंग का बटन है। स्विंग का बटन से क्या होता है, ये जो फ्लैप है ये अप डाउन होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लैप जो लगे हैं वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, जो वर्टिकल फ्लैप है वो मैनुअल करना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल फ्लैप है ये वाला लंबा वाला एक सिंगल वो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विंग के साथ आता है, मतलब स्विंग मोटर उसमें दिया हुआ है। तो आप इसे एक बार दबा के मैं दिखाता हूँ, देखिए फ्लैप अपने आप ही मूव करेगा, आप देख सकते हो आप फील कर पा रहे हो, देखिए एक मिनट, ये देखिए फ्लैप मूव कर रहा है, तो इस तरह से फ्लैप अपनी हवा को ऊपर नीचे कहीं भी मूव करता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, अब इसके बगल में फ्रेंड यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलता है टर्बो कूल। आप टर्बो कूल के बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे टर्बो का यहाँ पे आइकन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको टर्बो का आइकन देखने को मिल जाता है। अब इसमें होता क्या फ्रेंड वो भी जान लेते हैं। टर्बो कूलिंग एक्चुअली वहाँ पे काम करती है, जब आपको जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर से कहीं से अंदर आते हो और आपको तुरंत ठंडा चाहिए, तो उस केस में आपको टर्बो कूलिंग बहुत काम करेगा। इंस्टेंट आपका कंप्रेसर ऑन हो जाता है, और कंप्रेसर ऑन होते ही आपकी टर्बो कूलिंग चालू रहती है, और उसकी वजह से आपको तुरंत ठंडक महसूस होने लगता है अपने कमरे के अंदर। अब इसके बाद से यहाँ पे अगला जो बटन है वो ये तो बहुत ही कॉमन बटन है, टेम्परेचर अप डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं इसे बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और जब मैं इसे घटाऊंगा तो टेम्परेचर घटता रहेगा। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा एक्चुअली कैमरा इशू आ रहा है, कैमरा ऑटोमेटिक फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और अभी यहाँ पे आपको ई सेवर नाम से बटन मिलता है, ई सेवर का मतलब होता है एनर्जी सेविंग मोड। अब एनर्जी सेविंग मोड का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि आपका जो एसी बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है, और बिजली जितनी ज्यादा लेगा उतना ज्यादा बिजली का बिल आएगा, बट अगर आप एनर्जी सेविंग मोड में चलाते हो तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो कम होगा, और आपकी बिजली का बिल में भी बहुत ज्यादा बचत देखने को मिलेगा। तो ये कारण है आपका एनर्जी सेविंग मोड को यूज करने का। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक स्लीप बटन देखने को मिलता है,
जस्ट मिनट, ये देखिए यहाँ पर स्लीप बटन है, आप जैसे इसको दबाओगे तो यहाँ पे आपको एक स्लीप का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे इस जगह पे। जस्ट मिनट मैं फोकस कर दूँ, यहाँ पे देखिए आपको स्लीप का आइकन देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या फ्रेंड, एक्चुअली स्लीप वाले आइकन में होता क्या है कि जब भी आप स्लीप वाले बटन स्लीप वाले आइकन पे अपने एसी को रन करोगे तो रात के समय में जब आप सोते हो ना फ्रेंड, उस समय आपके जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरने लगता है और सॉरी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसकी वजह से ना आपको रात में ठंड महसूस होती है। उतने ही सेम टेम्परेचर पे जब आप सोने गए थे उस समय ठंड महसूस नहीं हो रही थी, बट एक दो घंटे बाद आपको ठंड लगने लगती है तो उस केस में आप कंबल वगैरह खोजने लगते हो। वो उसी से बचने के लिए आपको स्लीप मोड का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जिसकी वजह से जब आपका एसी जो है वो हर एक घंटे के बाद एक डिग्री से टेम्परेचर अप हो जाता है, यानी आप 24 में चला रहे हो तो 25 हो जाएगा, एक घंटे बाद 26 हो जाएगा, एक घंटे बाद 27 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरमेंट अपने कमरे के अंदर देखने को मिलेगा। और अभी देखते हैं अगला कौन सा बटन है। तो यहाँ पे फ्रेंड दो बटन आपको देखने को मिलते हैं, टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। तो चलिए टाइमर ऑन, टाइमर जो ऑन वाला बटन है फ्रेंड, इसको आप जैसे ही दबाते हो तो एक मिनट मैं फोकस करूँ थोड़ा, टाइमर ऑन वाले बटन को जैसे ही आप दबाते हो फ्रेंड तो जहाँ पे आप, तो फिर यहाँ पे ये जो अगला बटन आपको यहाँ पे दो देखने को मिलता है, टाइमर ऑफ और टाइमर ऑन। इससे पहले मैं स्विंग को ऊपर कर दूँ थोड़ा ताकि स्विंग ऊपर चला जाए, डायरेक्ट हवा आ रही है माइक पे, जल्दी हो जाए भाई। यस चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड आपको दो बटन देखने को मिलता है, टाइमर ऑफ और टाइमर ऑन। तो अभी फिलहाल एयर कंडीशन आपका रनिंग मोड में है तो इसमें आप टाइमर ऑफ सेट कर सकते हो। तो टाइमर ऑफ को जैसे आप दबाओगे तो यहाँ देखो यहाँ पे जो आइकन है ना वो ब्लिंक करने लगता है। जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए टाइमर ऑफ आइकन ब्लिंक कर रहा है। एक बार आपको दबा के और ये प्लस माइनस वाला बटन जो है जिससे आप टेम्परेचर सेट करते हो उसी बटन से आप अपने टाइम को सेट कर सकते हो, और सेट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक को टाइम सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10:07 पे ये एयर कंडीशन सेट हो चुका है, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा आपका। और अभी आप टाइमर ऑन के लिए आपको इसको एसी को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आप टाइमर ऑन वाले बटन पे जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे देखिए फिर से दिखाएगा। जस्ट मिनट, तो यहाँ से आप टाइमर को घटा बढ़ा सकते हो। 10 मिनट के अंदर पे ये डिफरेंस क्रिएट करता है, हर 10 मिनट का डिफरेंस देता है आपको, और फिर आप छोड़ दोगे तो वो वहीं पे सेट हो जाएगा। तो यानी आप जो डिजायरेबल टेम्परेचर है उस पर आपका एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और जो डिजायरेबल टेम्परेचर है उस पर आपका एसी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये है टाइमर ऑफ और टाइमर ऑन बटन का यूज। अभी आपको नीचे तीन बटन देखने को मिलते हैं, एक है डिस्प्ले, डिस्प्ले को आप जैसे ही प्ले, जस्ट मिनट, डिस्प्ले को फ्रेंड जैसे ही आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिला है, ये ऑफ हो जाएगा। यानी रात को अगर आप सोते वगैरह हो तो उस समय आपको जो नहीं लाइट की वजह से लोगों को दिक्कत होती है तो वो दिक्कत आपको फील नहीं होगी, तो यहाँ से आप डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हो। और दूसरी एक चीज है, एक मिनट स्विंग ऊपर जा रहा है, ऊपर हो जाए अदरवाइज आपको आवाज क्लियर नहीं होगी। और दूसरे तरफ आपको यहाँ पे क्लॉक का बटन देखने को मिला है, तो इसमें घड़ी चलती हुई दिखती है, तो अगर आप चाहते हो तो इस क्लॉक के बटन को भी आप सेट कर सकते हो। अब कैसे करना, देखिए क्लॉक ब्लिंक कर रहा है और आप इसी से ऊपर नीचे करके क्लॉक को भी सेट कर सकते हो, और एक बार और प्रेस करो तो ये ऑफ ऑन हो जाएगा, जो भी आप चाहते हो वो सेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज है जिसे आप कैंसिल करना चाहते हो, जो भी आप सेट कर रहे हो, तो कैंसिल बटन दबाओ तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।